नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी बस में सवार हो जाते हैं, कभी टेम्पो में नजर आते हैं, कभी लोको पायलट से मुलाकात करते हैं, तो कभी किसान और मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। ये सब करके राहुल गांधी दो काम करते हैं, एक वो मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं और दूसरा वो दरअसल खुद को एक सामान्य नागरिक दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हर वर्ग को साध सके, हर वर्ग का वोट बैंक उन्हें मिल सके। लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामान्य बनने का फर्स्ट क्लास दिखावे का खुलासा किया है। जी हाँ, बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है और वीडियो राहुल गांधी का है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास में आलीशान तरीके से उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कैमरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दलितों के साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो लोगों की नजरों से दूर आलीशान तरीके से यात्रा करते हैं। वीडियो में राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास काउंटर की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। उनके हाथ में ट्रॉली बैग है और वो इस तरीके से वहां पर जा रहे हैं, जबकि वो किसी से बात भी वहां पर कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है अब ये खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से किया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें अमित मालवीय लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि भारत में बालक बुद्धि राहुल गांधी दलित के साथ होने का दिखावा करते हैं, अक्सर पेशेवर कलाकारों के साथ नाटक करते हैं और उन्हें लोको पायलट, राजमिस्त्री, मैकेनिक आदि बताते हैं, लेकिन कैमरे के बाहर वो एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते हैं, जो हवाई यात्रा का सबसे आलीशान और महंगा एक्सपीरियंस है। ये दोगलापन भारत के समाजवादियों के लिए अभिशाप है जो सार्वजनिक रूप से गरीबों के लिए बोलने का दावा करते हैं लेकिन अन्यथा एक आलीशान जीवन शैली जीते हैं। ये बड़ी बात अमित मालवीय की ओर से इस पोस्ट में की गई है। अमित मालवीय अपने पोस्ट में तेजस्वी और अखिलेश यादव को भी घेरते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल वो और उनके परिवार भी धन के दिखावटी प्रदर्शन में लिप्त हैं। तो इस तरीके से विपक्ष पर और खासतौर पर राहुल गांधी पर के हमला अमित मालवीय ने बोला, लेकिन इसी के साथ बीजेपी की ओर से भी इस तस्वीर को, इस वीडियो को पोस्ट किया गया और लिखा गया कि कॉमन मैन समझा है क्या, यानी राहुल गांधी पर ये एक तंज है और कहीं ना कहीं सामान्य बनने का फर्स्ट क्लास दिखावा। यानी एक तरफ वो तस्वीरें जब वो किसानों के बीच पहुंचते हैं, जब वो ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं, वो किसानों के बीच बैठ जाते हैं, जब वो टेम्पो में सवार हो जाते हैं, वो बस में आम जनता के बीच यात्रा करते हैं, वो मेट्रो में यात्रा करते हैं, वो राजमिस्त्री के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर वो कभी दरअसल चुनाई करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जाहिर तौर पर क्या दिखावा है, ये सवाल जो है अब बीजेपी की ओर से बोला गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की जो प्रवक्ता है राधिका खेरा, जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रही है, उनकी तरफ से भी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला गया। राधिका खेरा ने लिखा कि खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले कांग्रेस के युवराज देश में पदयात्रा का स्वांग रचते हैं और विदेश में फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, अज्ञान है कि गरीबों की आह से बड़े बड़े शहंशाहों के तख्त स्वाहा हो जाते हैं, ये तो फिर शहजादे ही हैं, ये कांग्रेस के मैंगो मैन जीजाजी वाले। ये तंज है राधिका खेरा का जो राहुल गांधी पर बोला गया है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी हमेशा से अपनी विदेश यात्राओं को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को उनकी आलीशान जीवन शैली के लिए इस तरीके से दरअसल घेरा गया हो, बीजेपी ने उन पर हमला बोला हो। हालांकि उन्हें ये कहते हुए उद्धृत किया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लाखों रुपये के सूट पहनते हैं और केवल सफेद शर्ट वो पहनते हैं, सफेद टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कई बार विदेश यात्रा
करते हुए देखा जाता है। आलिशान वो जीवन शैली जीते हैं, ये भी देखा गया है कि किस तरीके से जब भी चुनाव खत्म होता है तो विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं और तमाम ऐसे विदेशी दौरे रहे हैं राहुल गांधी को जो काफी सुर्खियों में रहे हैं, और जिस तरीके से वो यात्रा करते हैं तो उसको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को टारगेट करती रही है। लेकिन बात अगर करें इन चुनावों की या इसके बाद जो रिजल्ट आया है उसके बाद राहुल गांधी जिस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, यानी राहुल गांधी जिस तरीके से कभी आम जनता के बीच पहुंचते हैं, कभी वो सफर करते हैं तो बस में जाते हैं, कभी वो टेम्पो में बैठते हैं, कभी वो लोको पायलट बोलकर जो है कलाकारों से मुलाकात करते हैं जैसा कि बीजेपी का कहना है, तो इस तरह की तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन राहुल गांधी के इस आलिशान जीवन शैली की अगर बात की जाए तो बात उनकी संपत्ति की भी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करते समय राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में खुलासा किया था कि उनके पास 4.3 करोड़ रुपए का शेयर बाजार निवेश है, 3.81 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड जमा है और बैंक खाते में 26 लाख रुपए के लगभग हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान उनकी कुल आय 1 करोड़ के लगभग रही। इसके अलावा उनकी चल संपत्ति की कुल कीमत 9.24 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी अचल संपत्ति की कुल कीमत करीब 11.14 करोड़ रुपये है। राहुल की कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। ये चुनावी हलफनामे में 2024 में दी गई डिटेल्स हैं राहुल गांधी के जरिए। तो लगातार उनकी इस कहीं ना कहीं कमाई की भी चर्चा हो रही है, संपत्ति की भी चर्चा हो रही है, तो ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का एक ही सवाल है कि क्या जो सामान्य बनने का आप दिखावा कर रहे हैं वो दरअसल इस तरीके से फर्स्ट क्लास में आप सफर कर रहे हैं, वो भी इतनी महंगी फ्लाइट्स में, जो कि दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट्स में से एक गिनी जाती है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बना रही है? क्या राहुल गांधी आम जनता के बीच जाकर उन्हें पागल बना रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो दिखावा करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं दरअसल आम नागरिक हूँ, आपकी तरह ही हूँ, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी उन्हीं लोगों की नजरों से बचते हुए जिस तरीके से आलिशान उड़ान को भरते हैं, जिस तरीके से वो एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर राहुल गांधी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी की जिस वीडियो को शेयर कर रही है, बीजेपी के तमाम नेता इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के यही नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री के कपड़ों से लेकर उनकी हवाई यात्राओं से लेकर उनके शेड्यूल से लेकर तमाम पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन आज क्या जो दरअसल फर्स्ट क्लास उड़ान का जो आनंद ले रहे हैं, क्या उसका जवाब राहुल गांधी देंगे? ये सवाल कहीं ना कहीं अब आम जनता भी राहुल गांधी से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।